हेलो बच्चों, हेलो माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, यू आर सो वेलकम बैक. दिस इज योर वेरी ओन पेस बैच एंड आई एम टीना चोपड़ा, योर जूलॉजी मेंटर. सो गाइस, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द जर्नी ऑफ जूलॉजी विद ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड आवर फर्स्ट चैप्टर इज डन, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. We have already started with the second chapter, that is body fluids and circulation, and this is lecture 2. So guys, kal humne kiya tha blood aur uske components. Humne RBCs, WBCs, platelets, unka structure dekha, functions dekhe, unka normal count, unka abnormal conditions. We have studied it all yesterday. Kal maine aapse ek sawal kiya tha. The question was ki plasma ka color yellow kyun hai. I have gone through your comments. Majority of the students know the correct answer. कि प्लाज्मा का कलर जो येलो है, दैट इज बिकॉज ऑफ बिलीरुबिन. बिलीरुबिन एक बाइल पिगमेंट है जो आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट है एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द येलो कलर. कुछ एक ने लिखा है कि हीमोग्लोबिन एबसेंट है, तो हीमोग्लोबिन एबसेंट होने पे कलरलेस होना चाहिए था. कईयों ने लिखा है यूरोक्रोम. यस, यूरोक्रोम इज येलोइश इन कलर, लेकिन वो यूरिन को पेल येलोइश कलर देता है, ना कि आपके ब्लड को. क्लियर? तो ये बिलीरुबिन कैसे बना, यूरोक्रोम कैसे बनेगा, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के चैप्टर में और एक्सक्रीशन के चैप्टर में. क्लियर? चलिए वापस आते हैं बॉडी फ्लूइड्स. एंड जाते समय मैंने कहा था कि आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, लेकिन आज सुबह जब मैंने गूगल पेज ओपन किया तो कुछ ऐसा नजर आया एंड आई रियलाइज कि आज इस साइंटिस्ट का बर्थडे है. गाइज, ये कोई ऐसे वैसे साइंटिस्ट नहीं है, ये साइंटिस्ट हैं हमारे फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स, कार्ल लैंडस्टीनर. इन्होंने डिस्कवर किया है एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप, आरएच सिस्टम. आपका ब्लड एबी पॉजिटिव है क्या, बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, ये हम क्यों बता पाते हैं, क्योंकि कार्ल लैंडस्टीनर ने बहुत स्टडी की. तो इनको बोलते हैं हैप्पी वाला बर्थडे और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ब्लड ग्रुप्स का. आज बेस्ट डे है ब्लड ग्रुप्स के बारे पढ़ने का. तो दिल विल की बातें करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में. आज हम स्टडी करेंगे कि ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं और किस तरह से हम ब्लड की ग्रुपिंग करते हैं. सो गाइस, कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में ऑब्जर्व किया कि अगर हम एक हेल्दी इंडिविजुअल का ब्लड दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो जिसके अंदर ट्रांसफ्यूज किया गया वो बंदा मर गया. ऑल्दो दोनों ब्लड, दोनों इंडिविजुअल्स हेल्दी थे. तो यानी हम कितने भी हेल्दी हो, दूसरा कितना भी हेल्दी हो, बट ऐसे कई बार हो सकता है कि हमारी बॉडी उस हेल्दी इंडिविजुअल का भी ब्लड एक्सेप्ट ना करे. इज दैट क्लियर? सो उन्होंने कंक्लूड किया, बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारी स्टडीज, दिन रात एक किया और फाइनली उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि हमारे पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स के अंदर जरूर कम से कम दो एंटीबॉडीज हैं. ये एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी हो सकती है, और कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल्स होंगे जिनके अंदर ये दोनों एंटीबॉडीज साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होती हैं. यानी किसी के अंदर सिर्फ एंटी ए होगी, किसी के अंदर सिर्फ एंटीबॉडी बी होगी, और किसी इंडिविजुअल के अंदर दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगी. इज इट क्लियर? सो ये इनका कहना था, ये स्टेटमेंट थी कार्ल लैंडस्टीनर की इन 1901. लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बोला, द सेल्स आर नेचुरली इनसेंसिटिव टू द ए ग्लूटिनिन्स इन देयर ओन सीरम. ए ग्लूटिनिन्स होती हैं एंटीबॉडीज. उन्होंने कहा लेकिन हम सब के अंदर कोई ना कोई एंटीबॉडी जरूर है, लेकिन हमारी एंटीबॉडी हमारे ही ब्लड सेल को नुकसान नहीं पहुंचाती, हमें नुकसान नहीं पहुंचाती. एंटीबॉडी होती है दूसरे के अगेंस्ट. सो एंटीबॉडीज आर लाइक मिसाइल्स, ये आज हमें पता है. एंटीबॉडीज मिसाइल्स की तरह हैं जो एंटीजन के अगेंस्ट बनती हैं. क्लियर? नाउ अब ये एंटीजन क्या है? एंटीजन बेसिकली एक फॉरेन प्रोटीन होता है. ठीक है, कोई भी प्रोटीन जो फॉरेन है यानी बाहर का है, वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए क्या है? एंटीजन है. तो यानी जो बाहर का है उसे हमारा इम्यून सिस्टम दुश्मन मानता है, एंटीजन मानता है, और उसके अगेंस्ट बनती हैं एंटीबॉडीज. इज दैट क्लियर? सो जनरली एंटीबॉडीज यानी जो मिसाइल्स हैं, ये हमेशा दुश्मन के कंटैक्ट में आने के बाद बनती हैं, बट दिस इज एन एक्सेप्शन. जो ये एंटीबॉडीज हैं एंटी ए या एंटी बी, ये एंटीबॉडीज हमारे अंदर पैदाइशी रहेंगी. दिस इज वन एक्सेप्शनल केस. इज इट क्लियर? चलिए और ज्यादा जानते हैं कि ब्लड ग्रुप्स हैं क्या.
सो ब्लड को कई तरह से ग्रुप्स कर सकते हैं. बेसिकली ब्लड की ग्रुपिंग होती है आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट प्रोटीन्स के बेस पे, जिनको हम बोलते हैं एंटीजेंस. देखो ये हमारा ब्लड ग्रुप है, सॉरी दिस इज आर आरबीसी. तो इस आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, मान लो अगर इसके ऊपर ल्यूइस जैसा भी एंटीजन होगा, जैसा भी प्रोटीन होगा, उस बेस पे हम आरबीसी को क्लासिफाई कर देते हैं. अब जैसे हमारे पास अगर 100 चीज़ें हैं, ठीक है, उन 100 ऑब्जेक्ट्स को हम अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, कलर के बेस पे, ठीक है, साइज के बेस पे, उनकी शेप के बेस पे, राइट. इसी तरह से ब्लड को भी कई कैटेगरीज में, कई तरह के ब्लड ग्रुप्स में क्लासिफाई कर किया जा सकता है. एक है ल्यूइस फैक्टर, ल्यूइस फैक्टर के हिसाब से हो सकता है आप पॉजिटिव ल्यूइस फैक्टर हो, मैं ल्यूइस नेगेटिव हूँ, ठीक है. केल फैक्टर्स हो सकते हैं, डफी फैक्टर्स हो सकते हैं, किड आई एम एन ब्लड ग्रुप हो सकता है, पी ब्लड ग्रुप हो सकता है, इज इट क्लियर. लेकिन जिन दो ब्लड ग्रुप के सिस्टम्स के बेस पे हम सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, वो ब्लड ग्रुप्स कौन से हैं, वो कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किए थे. वन वॉज एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज आरएच सिस्टम. इन दो सिस्टम्स के बेस पे हम सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं. बट कोई भी अगर ब्लड ग्रुप है तो वो किस बेस पे है, कि आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है, एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी. देखो एंटीजेंस जो होते हैं ना, एंटीजन वैसे तो फॉरेन प्रोटीन होता है, तो हमारे जो बॉडी के प्रोटीन्स है ना, समझो देखो हम सब एक स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो हम सब एक जैसे हुए, लेकिन फिर भी हम इंडिविजुअल्स हैं, फिर भी हम हर एक इंसान यूनिक है, ठीक है, हम सब यूनिक हैं. और ये मॉरल ऑफ द स्टोरी कि हम यूनिक हैं, ये हमारे सेल से हमें मिलती है. हमारे हर एक सेल के ऊपर एक एक कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो उनको स्टैम्प कर रहे हैं. उन प्रोटीन्स का और कोई काम नहीं है, उनका सिर्फ काम है कि आपके सेल्स के ऊपर स्टैंप लगाना कि ये मेरा है और ये तेरा है, इज दैट क्लियर. तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं, इनका काम होता है सेल को मार्क करना, टू मेक देम यूनिक, ठीक है. इसलिए हम सब एक स्पीशीज को बिलोंग करते हुए, हम सब की बॉडी एक जैसे होते हुए, हमारे सेल्स एक जैसे होते हुए भी एक जैसे नहीं होंगे. हमारी बॉडी एक दूसरे का सेल एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमारे सेल के सरफेस पे कुछ ऐसे मार्कर्स हैं जो हमारे अपने होते हैं, और दूसरे का जो मार्कर है वो हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं करता. हमारे इम्यून सिस्टम के लिए दूसरे का जो सेल सरफेस प्रोटीन होगा वो एंटीजन होगा, ठीक है. हमारे सेल के ऊपर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है, जो उनको स्टैम्प कर रहे हैं कि ये मेरा है और वो तेरा है, उन प्रोटीन्स को हम क्या कह देते हैं, एंटीजेंस, इज दैट क्लियर. उनको क्या बोल देते हैं, सेल सरफेस मार्कर्स या फिर एंटीजेंस, क्लियर. अब हमारा इम्यून सिस्टम सिर्फ हमारे ही एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करता है, हमारे ही प्रोटीन्स को रिकॉग्नाइज करता है. दूसरे का प्रोटीन अगर हमारे अंदर आया तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट करेगा, और इम्यून सिस्टम की रिजेक्शन इतनी छोटी मोटी नहीं होती, ये जानलेवा हो सकती है. इसीलिए कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में यही कहा था कि जब एक हेल्दी इंडिविजुअल का ब्लड दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर इंसर्ट किया गया, डाला गया, ट्रांसफ्यूज किया गया, तो दूसरा इंडिविजुअल मर गया. क्यों मर गया, क्योंकि उसके अंदर उसका जो इम्यून सिस्टम था उसने दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल के सेल्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया, उसके सेल के ऊपर डिफरेंट एंटीजेंस प्रेजेंट थे. अब बात यह है कि एंटीजेंस के अगेंस्ट हमेशा बनती हैं एंटीबॉडी, तो मेरी बॉडी मेरे ही एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करेगी. लेकिन कहीं मेरी बॉडी के अंदर किसी दूसरे का एंटीजन ना आ जाए, तो उससे बचाने के लिए मेरे ब्लड के अंदर उस दूसरे के एंटीजन के अगेंस्ट पहले से मिसाइल्स होंगी, पहले से एंटीबॉडीज होंगी, इज दैट क्लियर. थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, चलो और डिटेल में बिल्कुल क्लियर करके हम आज हम क्लास से जा रहे हैं. देखो तो अब
एंटी, ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। इसके ऊपर जैसा एंटीजन होगा वैसा हमारा ब्लड ग्रुप होगा। वील कम बैक टू दिस। सो अब हमने दो ब्लड ग्रुप्स पढ़ने हैं, वन इज एबीओ सिस्टम, अनदर इज आरएच सिस्टम। दोनों ही सिस्टम्स कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किए हैं, वन आफ्टर द अदर, ठीक है। और इन दो सिस्टम्स के बेस पे हम सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद एबीओ सिस्टम। अब देखो एबीओ सिस्टम के हिसाब से हमारे पॉपुलेशन में चार तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं, चार तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं। सो द फर्स्ट ब्लड ग्रुप इज ब्लड ग्रुप ए, दूसरे इंडिविजुअल्स आपको दिखते हैं ब्लड ग्रुप बी के, आप में से कुछ ए बी के होंगे और कुछ ओ के होंगे, इज इट क्लियर? नाउ अब ये जो ब्लड ग्रुप है ये किस बेस पे है, ये इस बेस पे है कि आपके आरबीसी के ऊपर एंटीजन कैसा है। सो से दिस इज योर डिस्कॉइडल आरबीसी, कल हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, बाय कंकेव या डिस्कॉइडल, ठीक है, बैग ऑफ हीमोग्लोबिन। सो दिस इज योर आरबीसी। अब आरबीसी के सरफेस पे कैसा एंटीजन है, अगर तो सिर्फ ए वाला है, सेल ए एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे, यानी सेल सरफेस मार्कर्स कैसे हैं, ए टाइप के हैं, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। अगर वो बी कैटेगरी को बिलोंग करता है, इसका मतलब आरबीसी के ऊपर सिर्फ बी तरह के एंटीजेंस प्रेजेंट हैं। अगर वो ए बी को बिलोंग करता है, यानी इसके ऊपर दोनों तरह के एंटीजेंस प्रेजेंट है, ए एज वेल एज बी। और ओ का बेसिकली मतलब होता है जीरो, यानी कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बाकी अल्फाबेट्स है तो हमने जीरो को ओ बोल दिया, इज दैट क्लियर? नाउ सी, अब एंटीजन कौन सा हुआ हमारे ब्लड के अंदर, एंटीजन, ए जी स्टैंड्स फॉर एंटीजन, और ये कहां पे होता है, आरबीसी के सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे। नाउ लिसन, जो ए को बिलोंग करता है, ए के अंदर कौन सा एंटीजन था, ए, बी के अंदर कौन सा एंटीजन था, बी, ए बी के अंदर कौन से एंटीजन है, दो नो एंटीजन है, उसके सरफेस पे ए भी है और बी भी है, तो जो भी एंटीजन है वही हमारा ब्लड ग्रुप है। ओ के ऊपर कौन सा एंटीजन है, कोई भी नहीं, इज इट क्लियर? नाउ अब ये तो हो गए हमारे अपने प्रोटीन्स, अब दूसरी बात, हमारे प्लाज्मा के अंदर, हमारे आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन होता है, हमारे प्लाज्मा के अंदर दूसरे एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होती हैं, इज दैट क्लियर? देखो जो हमारा एंटीजन है हमारा इम्यून सिस्टम सिर्फ उसको पहचानेगा, लेकिन कहीं कोई दूसरा ना आ जाए तो उसको मारने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए पहले से हमारे ब्लड के अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज होंगी। तो अगर मैं ए ब्लड ग्रुप को बिलोंग करती हूँ, यानी मेरे आरबीसीज ऐसे हैं, ठीक है, तो मेरे प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज देखो कौन सी होंगी, एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट होने वाली है, एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट होने वाली है, बी के अगेंस्ट, ए बी, ठीक है। सो एंटीबॉडीज होती हैं इन प्लाज्मा, इन प्लाज्मा, तो एंटीबॉडीज देखो कौन सी होंगी, तो ए के पास एंटीबॉडीज होंगी बी के अगेंस्ट, बी के अगेंस्ट। सो ए विल हैव एंटी बी एंटीबॉडीज, बात समझ में आ रही है? तो ए, ए को तो एक्सेप्ट कर लेगा, यानी ए इंडिविजुअल के अंदर तुमने अगर ए वाला आरबीसी और डाला तो वो तो एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन अगर बी आरबीसी आया तो ये एंटीबॉडीज उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब इस डिस्ट्रक्शन में बहुत कुछ होना है, ठीक है, वी विल सी दैट। तो ये कौन सी एंटीबॉडीज हैं, एंटी बी, एंटी बी, इज इट क्लियर? वाई शेप्ड मॉलिक्यूल होता है एंटीबॉडी, इसलिए मैंने वाई ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एनीवेज देन, अब जो बी इंडिविजुअल है वो किसको रिकग्नाइज करता है, सिर्फ बी को, तो इसके प्लाज्मा के अंदर ए के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होंगी, एंटी ए, क्लियर? देन ए बी, जो ए बी इंडिविजुअल है उसका इम्यून सिस्टम ए को भी रिकग्नाइज करता है और बी को भी रिकग्नाइज करता है, तो उसके प्लाज्मा के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, उसके प्लाज्मा के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, तो वो दोनों को रिकग्नाइज करता है, यानी ए भी आ जाए तो भी ठीक, बी डाल दो तो भी ठीक, ए भी तो तुम डाल ही सकते हो उसके अंदर, आर यू गेटिंग इट? तो वो दोनों एंटीजेंस को पहचानता है, इसलिए सारे दोनों एंटीबॉडीज को, सॉरी दोनों एंटीजेंस को, दोनों ब्लड ग्रुप्स को एक्सेप्ट करेगा, इज दैट क्लियर? सो वो किसी के भी अगेंस्ट मिसाइल लॉन्च नहीं करेगा, क्योंकि वो दोनों को पहचानता है।
अब आते हैं जीरो पे, यानी ओ पे। ओ ना ए को जाने ना बी को जाने, तो इसलिए अपने पास दोनों के अगेंस्ट मिसाइल्स लेकर बैठा है। तो एक ओ के पास दोनों तरह की मिसाइल्स होंगी, एंटी ए भी और एंटी बी भी। इज दैट क्लियर? तो ये क्लियर हुआ। तो हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है किस पे डिपेंड करता है? हमारे एंटीजन पे। ब्लड ग्रुप डिपेंड्स ऑन द एंटीजन प्रेजेंट ऑन द आरबीसी सरफेस, और प्लाज्मा में दूसरे के अगेंस्ट एंटीबॉडीज पाई जाएंगी। इज इट क्लियर? अब हम आते हैं मिसमैचिंग पे, कि मिसमैचिंग क्यों जनरेट होती है। नाउ सी, लेट्स फॉर एन एग्जाम्पल टेक दिस। तो मैंने एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड लिया, ठीक है, ये ए इंडिविजुअल का ब्लड था। अगर ये ए इंडिविजुअल का ब्लड था तो इसके आरबीसी कैसे हुए? इसके आरबीसी ऐसे हुए, इसके ऊपर ए प्रेजेंट होगा। दिस इज व्हाट ए मींस, दिस इज व्हाट ए मींस। इज इट क्लियर? अब इसके प्लाज्मा के अंदर, इसके प्लाज्मा के अंदर होंगी एंटी बी एंटीबॉडीज, एंटी बी एंटीबॉडीज। इज दैट क्लियर? नाउ सी, एंटीबॉडी बी जो होंगी ये बी के अगेंस्ट बाइंड कर सकती हैं, ये बी के अगेंस्ट बाइंड कर सकती हैं, ठीक है। अब एंटी बी ने देखो करना क्या है, अगर ये ए इंडिविजुअल है, अगर क्या ये ए इंडिविजुअल है, ठीक है, इसके आरबीसी के ऊपर ए है तो ये ए इंडिविजुअल है। इसके प्लाज्मा के अंदर एंटी बी एंटीबॉडीज हैं। इसका मतलब अगर मैंने इस इंडिविजुअल के अंदर बी ब्लड ग्रुप डाल दिया, मैंने इसके अंदर बी ब्लड ग्रुप डाल दिया, तो ये बी ब्लड ग्रुप है, मान लो दिस इज बी, दिस इज बी। तो ये जब हम इसके अंदर डालेंगे तो ये एंटीबॉडीज इसके साथ बाइंड कर जाएंगी, ये इसके साथ बाइंड कर जाएंगी इस तरह से। इज इट क्लियर? अब एंटीजन ये क्या था? बी इज द एंटीजन, दिस इज द एंटीजन, एंटीजन। ये एंटीजन अपनी एंटी बी एंटीबॉडीज के साथ रिएक्ट कर जाएगा। इज इट क्लियर? तो दोनों के अंदर क्या हो रहा है? लॉक एंड की तरह एक रिएक्शन हो रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है। अब इस एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन का मतलब ये है कि आरबीसीज ने आपस में जम जाना है, देयर विल बी क्लंपिंग ऑफ आरबीसीज, वो आपस में जम जाएंगे। जैसे कर्ड की कंसिस्टेंसी होती है ना, जैसे दूध से दही जमता है तो क्लॉट सा बन रहा है, प्रोटीन्स कोएगुलेट हो रहे हैं वहां पे भी, ठीक है, कर्ड फॉर्मेशन के दौरान। तो इसी तरह से यहाँ एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन जब होगा तो आरबीसी बहुत सारा जो ब्लड है वो क्लॉट करने लगेगा। क्लॉट करने का मतलब समझते हो? क्लॉट करने का मतलब है डेथ। अगर कैपिलरीज में क्लॉटिंग हो गई तो दैट कैन बी फेटल। सो व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द मिसमैचिंग? अब इस इंडिविजुअल के अंदर तुमने गलत ब्लड डाला है, कौन सा डाल दिया है तुमने? बी, ठीक है। तो जब इसके अंदर बी ब्लड तुम डालोगे तो क्या होगी? मिसमैचिंग ऑफ ब्लड ग्रुप में होती है क्लंपिंग ऑफ आरबीसीज, क्लंपिंग ऑफ आरबीसीज। नाउ क्लंपिंग ऑफ आरबीसीज विल लीड टू द सिचुएशन नोन एज, इट विल लीड टू सिचुएशन नोन एज ए ग्लूटिनेशन, ए ग्लूटिनेशन। इज दैट क्लियर? ए ग्लूटिनेशन में क्या होना है? आरबीसीज ने आपस में कोएगुलम बना देना है, क्लॉटिंग हो जानी है, क्लंपिंग हो जानी है, अंदर क्लॉट बन जाएगा, जम जाएगा, ब्लॉकेज आ जाएगी एंड द पर्सन विल डाई। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें पहले ब्लड की प्रॉपर मैचिंग की जाए। इज दैट क्लियर? सो अब यहीं से हम समझ लेते हैं कि किसके अंदर कौन सा ब्लड डाला जा सकता है। नाउ सी, If I belong to this blood group, तो मेरे अंदर तुम कौन कौन सा ब्लड डाल सकते हो? देखो कौन सा ब्लड डाल सकते हैं? एक तो हम सेम ब्लड डाल सकते हैं, ए वाला, वो बिल्कुल सेम होगा तो बॉडी उसको इजिली एक्सेप्ट कर लेगी। इज इट क्लियर? दूसरा हम ओ डाल सकते हैं। ओ इसलिए डाल सकते हैं क्योंकि ओ के ऊपर कोई एंटीजन है ही नहीं, तो ये एंटीबॉडी किसी पे बाइंड कर ही नहीं सकती। तो हम जो भी ब्लड ग्रुप को बिलोंग करते हैं, एक तो सेम ब्लड ग्रुप हमारे अंदर डाला जा सकता है, ठीक है, और दूसरा ओ डाला जा सकता है। अगर नहीं पता तो चुपचाप सिर्फ ओ डाल दिया जाता है। इज दैट क्लियर? चलो
जब भी ब्लड लेने की बारी आएगी, या तो हम अपना ब्लड ग्रुप लेंगे या फिर हम ओ लेंगे. इज इट क्लियर? अब बात आती है ब्लड देने की, ब्लड डोनेट करने की. अगर मैं ए को बिलोंग करती हूँ तो मैं किसको ब्लड दे सकती हूँ? सोचो, मैं दे सकती हूँ अपने जैसे ए को, ठीक है, या फिर मैं दे सकती हूँ ए बी को, क्योंकि ए बी के पास कोई एंटीबॉडी ही नहीं है ना. सी, लेट्स सी. सो दिस ब्लड बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है. तो ए बी का ब्लड देखो कैसा है. ए बी के आरबीसीज ऐसे होंगे, ए भी है इसके ऊपर और ये कहाँ चला गया, ठीक है, इसके ऊपर ए भी है और बी भी है, ठीक है, और एंटीबॉडी कोई है नहीं. इसका मतलब अगर मैं ए डाल दूंगी तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, बी डाल दूंगी तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ए बी तो डाल ही सकती हूँ क्योंकि उसके जैसा है, और ओ तो सब एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो ए बी के अंदर कोई भी ब्लड डाला जा सकता है क्योंकि रिएक्ट, इसके अगेंस्ट रिएक्ट करने के लिए कोई एंटीबॉडी है ही नहीं. इट हैज नो एंटीबॉडीज, इट हैज नो एंटीबॉडीज, सो इट कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल्स, एंड दैट इज वाई वी कॉल ए बी इंडिविजुअल एज अ यूनिवर्सल रिसिपियंट. Why is it a universal recipient? Because it has no antibodies. तो वो किसी के भी against, यानी missiles उसके पास है ही नहीं, कोई भी आ गया वो accept हो जाना है. और O जो होता है, O क्या होगा, वो सबको blood दे सकता है. क्यों दे सकता है? क्योंकि उसके ऊपर कोई antigen नहीं है, वो जिसके अंदर भी जाएगा easily accept हो जाएगा, क्योंकि वो उनकी एंटीबॉडीज उसके किसी भी एंटीजन जब है ही नहीं तो बाइंड कहाँ करेंगी. इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है. सो दिस मेक्स ए बी एज द यूनिवर्सल यूनिवर्सल रिसिपियंट. इज दैट क्लियर? व्हाइल ओ इज द यूनिवर्सल डोनर. यू, इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो ए किस किस से ले सकता है? ए से और ओ से. बी किस किस से ले सकता है ब्लड? बी से, ओ से. ए भी किस से ले सकता है? सब से ले सकता है. और ओ किस से ले सकेगा? ओ के ऊपर एंटीजन नहीं है लेकिन उसके पास दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज भी हैं. मिसाइल सबके लिए तैयार रखी हुई है ओ ने, तो इसका मतलब ओ बेचारा बस दूसरों का भला करने के लिए है, लेकिन जब उसकी खुद की बारी आएगी तो उसको खुद को ओ ब्लड ग्रुप ही ढूंढना होगा. ना वो ए से ले सकेगा, ना वो बी से ले सकेगा, क्योंकि एंटीबॉडीज ए के अगेंस्ट भी हैं और बी के अगेंस्ट भी हैं, और ऑफ कोर्स नॉट फ्रॉम ए बी. सो ओ कैन गिव ब्लड टू ऑल बट रिसीव्स ब्लड ओनली फ्रॉम ओ इंडिविजुअल्स. इज दैट क्लियर? चलिए, सो दिस वॉज अबाउट द मिसमैचिंग. मिसमैचिंग में क्या होगी? ए ग्लूटिनेशन होगी, एंड दिस कैन बी फेटल. ये लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस होता है. सो गाइस, दिस इज व्हाट इट इज. सो ब्लड ग्रुप ए देखो, अलग अलग तरह के एंटीजन्स बनाए हुए हैं, दीज आर द एंटीबॉडीज, ठीक है. अब यहाँ पे किस किस को ब्लड डोनेट किया जा सकता है तो वे समझ में आ चुका है. इज इट क्लियर? तो ए देखो एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं. सो इट कैन डोनेट टू, ठीक है, डोनेट टू. ए किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है? ए दे सकता है ए को और ए बी को. बी दे सकता है बी को और ए बी को. ए बी किसको दे सकता है? सिर्फ ए बी को, ठीक है. ओ किसको दे सकता है? सबको, ए ओ बी ए बी. सेकेंडली, ये रिसीव किस किस से कर सकते हैं, कौन कौन किस किस से ले सकते हैं ब्लड? तो जब रिसीव करने की बारी आएगी तो दे कैन रिसीव फ्रॉम. देखो किस किस से रिसीव करेंगे. नंबर वन, ए किस से ले सकता है? अपने जैसे से और ओ से. बी किस से ले सकता है? अपने जैसे से और ओ से. ए बी किस से ले सकता है? सब से, ए बी ए बी एंड ओ. और ओ किस से ले पाएगा? सिर्फ और सिर्फ ओ से. इज दैट क्लियर टू ऑल? सो आई थिंक ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज क्लियर. नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड ब्लड ग्रुप, दैट इज आर एच सिस्टम. तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपके आरबीसी के ऊपर कई तरह के एंटीजन्स हो सकते हैं, उस बेस पे आप उसको ल्यूस ब्लड ग्रुप बना सकते हो, कन्वर्ट कर क्लासिफाई कर सकते हो, डफी में क्लासिफाई कर सकते हो, एबीओ में कर सकते हो. इसी तरह से एक और ब्लड ग्रुप सिस्टम है, दैट इज आरएच सिस्टम. लेट्स टॉक अबाउट दिस वन.
दिस वॉज ऑल्सो डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर अलॉन्ग विद सम अदर साइंटिस्ट, ठीक है. लेकिन आज लैंडस्टीनर का दिन है तो हम सिर्फ लैंडस्टीनर याद रखेंगे. नाउ सी आर एच सिस्टम. आर एच स्टैंड्स फॉर रीसस. रीसस मंकी है जिसके अंदर इसको सबसे पहले स्टडी किया गया था. इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन रीसस मंकी, हेंस द नेम. इज इट क्लियर? अब आर एच फैक्टर, ये रीसस फैक्टर क्या है? हमारे आरबीसी के ऊपर, आरबीसी के ऊपर ए बी के अलावा एक और फैक्टर होता है, दैट इज आर एच फैक्टर. अगर आर एच फैक्टर है तो हम क्या कहलाएंगे? आर एच पॉजिटिव. अगर आर एच फैक्टर नहीं है तो हम क्या कहलाएंगे? आर एच नेगेटिव. इज इट क्लियर? इसके अलावा ए बी ओ वाले तो चल ही रहे हैं, इसके ऊपर ए है या नहीं है, वॉट एवर, वो अलग सिस्टम चलेगा, ठीक है. तो अब ऐसा इंडिविजुअल जिसके ऊपर ए भी है और आर एच भी है, इसको क्या कहेंगे? ए पॉजिटिव. बी पॉजिटिव का मतलब बी होगा और साथ में आर एच फैक्टर होगा, ठीक है. बी नेगेटिव यानी बी तो है, बी तो है लेकिन आर एच फैक्टर नहीं है. इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ वी कंबाइन द टू. तो हमने जब भी ब्लड ग्रुप मैचिंग करनी होती है तो हम ए बी को अलग से कंसिडर करते हैं और आर एच फैक्टर को अलग से कंसिडर करते हैं और फिर एक कोलैबोरेटेड, एक कंपाइल्ड अपना डिसीजन लेते हैं कि कौन किसको ब्लड देगा. वी विल डू इट टुगेदर. देखो, सो जिसके अंदर आर एच फैक्टर है वो आर एच पॉजिटिव हो गया, जिसके अंदर आर एच नहीं है वो आर एच नेगेटिव हो गया. अब याद रखना कि पॉजिटिव हमेशा डोमिनेट करता है, यानी अगर मैं आर एच पॉजिटिव हूं तो मैं पॉजिटिव से भी ब्लड ले सकती हूँ और नेगेटिव से भी ले सकती हूँ. बट अगर मैं नेगेटिव हूं तो मुझे सिर्फ नेगेटिव से ब्लड लेना चाहिए, ना कि पॉजिटिव से. इज दैट क्लियर? ठीक है. सो देखो, ये आर एच एंटीजन कौन सा है इसके अंदर? एंटीजन आर एच है. इसके अंदर एंटीजन कौन सा है आर एच के हिसाब से? कोई नहीं. एंटीबॉडी आर एच को अगर रिकोगनाइज करता है तो एंटीबॉडी नहीं होगी. देखो, एंटीजन अगर है उसको रिकोगनाइज किया जा रहा है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं होगी, ठीक है. अब अगर वो इंडिविजुअल आर एच नेगेटिव है, इफ आई एम नेगेटिव, माई इम्यून सिस्टम डज नॉट नो वट आर एच इज. तो अगर इम्यून सिस्टम किसी चीज को नहीं जानता तो उसके अगेंस्ट क्या करता है? मिजाइल्स लॉन्च करेगा, ठीक है. अब आर एच के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई जाएंगी, एंटी आर एच. इज दैट क्लियर? ठीक है. तो इसका मतलब दिस आर एच पॉजिटिव पर्सन कैन टेक ब्लड फ्रॉम, इट कैन टेक फ्रॉम ब्लड फ्रॉम, ये पॉजिटिव जो है ये पॉजिटिव से भी ले सकता है और नेगेटिव से भी ले सकेगा, क्योंकि पॉजिटिव डोमिनेंट होता है. नेगेटिव जो है कैन ओनली टेक ब्लड फ्रॉम नेगेटिव इंडिविजुअल्स. क्लियर? देन जब देने की बारी आई, डोनेट टू, इट कैन टेक फ्रॉम या रिसीव फ्रॉम, ठीक है. वाइल इट कैन डोनेट टू, किसको डोनेट करेगा? पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव को देगा. सिंपल सी बात है, अगर मैं पॉजिटिव हूं और मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से ले सकती हूँ, एंड बीइंग नेगेटिव मैं सिर्फ नेगेटिव से ले सकती हूँ, तो इसका मतलब जब डोनेट करने की बारी आएगी तो मैं किसको डोनेट कर सकती हूँ? सिर्फ पॉजिटिव को, ठीक है. नेगेटिव को नहीं दूंगी, नेगेटिव सिर्फ नेगेटिव से लेगा. तो पॉजिटिव कैन डोनेट टू ओनली पॉजिटिव. Why? Negative blood can be given to both positive and negative. क्योंकि चाहे पॉजिटिव को दे दो तो कोई चक्कर ही नहीं, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव डोमिनेट कर ही लेगा और नेगेटिव तो नेगेटिव है ही. इज दैट क्लियर? ठीक है. अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं. देखो, अब इन दोनों को कंबाइन करके स्टडी करते हैं. सो अगर आरबीसी ऐसा है, अब साथ साथ तुम इसको सॉल्व करते जाओगे, ठीक है. मैं क्वेश्चन पूछूंगी, पॉज करके आंसर फाइंड आउट करना, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुमने जितने मैंने क्वेश्चंस पूछे कितने सॉल्व किए उसमें से करेक्टली. क्लियर? नाउ सी, दिस इज अ इंडिविजुअल. क्लियर? तो इस इंडिविजुअल के अंदर, ये उसका आरबीसी है, तो उसके प्लाज्मा के अंदर नंबर वन कौन कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी, कौन कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी इसके अंदर. तो एंटीबॉडीज इसके अंदर देखो कौन कौन सी प्रेजेंट है, आई होप सबने सोच लिया होगा मेरे बताने से पहले. नंबर वन एंटीबॉडी इसके अंदर है एंटी बी, ठीक है. और आर एच को क्योंकि रिकोगनाइज करता है तो उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं होगी. इज इट क्लियर? सो सेकेंड क्वेश्चन, सो कौन सा प्लाज्मा के अंदर कौन सी एंटीबॉडी थी, दिस वॉज फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज
ये वाला इंडिविजुअल जिसके अंदर ऐसा आरबीसी है, ये इंडिविजुअल को हम क्या कहेंगे? इस इंडिविजुअल को हम बोलते हैं ए पॉजिटिव, यानी बेसिकली ए एंड आर एच पॉजिटिव, दिस इज ए पॉजिटिव, क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये ए पॉजिटिव किस किस से ब्लड रिसीव कर सकता है? इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, रिसीव फ्रॉम किस किस से रिसीव कर सकता है? पॉज करना वीडियो को एंड देन फाइंड आउट द आंसर जल्दी से, ठीक है? इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम किस किस से रिसीव करेगा? देखो ए के हिसाब से पहले अलग देखो, ए किस किस से रिसीव कर सकता है? ए से और ओ से, इज इट क्लियर? और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दोनों से ब्लड ले सकता है, पॉजिटिव से भी और नेगेटिव से भी, पॉजिटिव से भी नेगेटिव से भी, तो ओवरऑल हमारे पास चार ऑप्शंस बनती हैं, इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर थ्री कि ये किस किस से किस किस को ब्लड रिसीव फ्रॉम, इट कैन, थर्ड क्वेश्चन है किस किस को ब्लड डोनेट कर पाएगा, इट कैन डोनेट टू, सो नाउ अगेन ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर, किस किस को ब्लड डोनेट कर पाएगा? देखो किसको डोनेट कर पाएगा, एक तो अपने जैसे को डोनेट कर पाएगा, ए को, और दूसरा यूनिवर्सल रिसिपिएंट बैठा है सबसे ब्लड लेने के लिए, तो ए बी को डोनेट कर पाएगा। अब आर एच फैक्टर देखो, पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव को देगा, तो ये सिर्फ ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को ब्लड डोनेट करने वाला है, इज दैट क्लियर? आई होप आपके ये आंसर्स ठीक आ रहे हैं। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि हाउ मेनी क्वेश्चंस केम आउट राइट और ये टॉपिक तुम्हें कितनी अच्छी तरह से समझ में आया है। नेक्स्ट एक और फाइंड आउट करते हैं। देखो एक केस ले रही हूं मैं अब, ओ ओके, सबसे पहले तो ओ नेगेटिव कैसा होगा, पहले तो ये देखो, ओ नेगेटिव के ऊपर, तो आई एम टेलिंग यू ओ नेगेटिव इंडिविजुअल है, इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर वन कौन कौन से एंटीजेंस हैं, इसके ऊपर एंटीजेंस कौन से हैं, एंटीजेंस कौन से हैं, सो इट इज ओ नेगेटिव इंडिविजुअल, ठीक है? इसके ऊपर एंटीजेंस कौन से हैं, सो आंसर इज नो एंटीजन, ना तो एबीओ के हिसाब से कोई एंटीजन है, बिकॉज इट इज ओ मीन्स जीरो, ऊपर से नेगेटिव है तो आर एच फैक्टर भी नहीं है, हमने सिर्फ इन दोनों के हिसाब से बताने हैं। नो डाउट इसके ऊपर और कोई एंटीजेंस होंगे, ल्यूस के हिसाब से, डफी के हिसाब से, बट हम सिर्फ दो ब्लड ग्रुप सिस्टम्स के हिसाब से अपना कंसिडर कर रहे हैं, क्लियर? सो इन दोनों ब्लड ग्रुप के हिसाब से इसके ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर टू, इसके पास एंटीबॉडीज कौन सी होंगी, एंटीबॉडीज कौन कौन सी होंगी? ओ नेगेटिव है तो ओ के पास कौन कौन सी मिसाइल्स हैं, ए बी के हिसाब से एंटी ए बी है, एंटी बी भी है, और क्योंकि आर एच फैक्टर को भी रिकॉग्नाइज नहीं करता तो इसके पास एंटी आर एच भी है, इज दैट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री कि ये ब्लड किस किस को दे पाएगा, इट कैन डोनेट ब्लड टू, इट कैन डोनेट ब्लड टू, किस किस को ब्लड दे पाएगा? लेट्स सी, नाउ दिस कैन बी लिटिल मोर ट्रिकी बट इंटरेस्टिंग। सो ओ नेगेटिव किस किस को ब्लड दे पाएगा, पहले ओ का देखो, ओ किसको देता है, सबको, राइट? ए को, बी को, ए बी को, ओ को, क्लियर? और क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव ब्लड कैन बी गिवन टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये इसकी पॉजिटिव और ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव एंड ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव, सबको ब्लड दे पाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? क्लियर? नाउ ऑल दीज ब्लड ग्रुप्स दे आर डिटर्मिंड बाय आर जीन्स, तो जेनेटिक्स हम पढ़ेंगे फिर किसी लेक्चर में, आज हम सिर्फ ये डिसाइड करेंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है और हम किसको सेफली ब्लड दे सकते हैं और किस से जरूरत पड़ने पे ब्लड लिया जा सकता है, इज दैट क्लियर? चले सो आई होप नाउ दिस इज ऑल क्लियर टू यू। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन ये है कि अगर ये ओ पॉजिटिव इंडिविजुअल होता, अगर ये ओ पॉजिटिव इंडिविजुअल होता तो ये किस किस को ब्लड दे पाता, इट कैन डोनेट टू, इट कैन डोनेट टू। देखो ओ पॉजिटिव है, किस किस को डोनेट कर पाएगा? ओ के हिसाब से ए बी एंड ओ, सबको डोनेट कर पाएगा। अब आर एच फैक्टर है तो पॉजिटिव कैन गिव ब्लड ओनली टू पॉजिटिव पीपल, ठीक है? तो इट कैन ओनली गिव ब्लड टू पॉजिटिव वंस। कैन यू डिफरेंशिएट, कैन यू सी द डिफरेंस हियर?
यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ रहा है? ओ पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव इंडिविजुअल्स को दे रहा है, राइट? बट ओ नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव सबको दे रहा है. इसका मतलब अगर प्रिसाइजली देखा जाए तो ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल यूनिवर्सल डोनर. ओ पॉजिटिव इज अ यूनिवर्सल डोनर फॉर ओनली पॉजिटिव इंडिविजुअल्स, बट ओ नेगेटिव इज एक्चुअली द यूनिवर्सल डोनर हु कैन गिव ब्लड टू बोथ पॉजिटिव एंड टू बोथ नेगेटिव इंडिविजुअल्स, टू ऑल द इंडिविजुअल्स. इज दैट क्लियर? चले, सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. एंड नाउ आज का क्वेश्चन ये है कि अगर ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव में से एक्चुअली ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, तो ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव में से व्हाट डू यू थिंक कि एक्चुअली यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा होगा अगर हम आरएच फैक्टर को भी कंसिडर करें? तो ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव, इनमें से ये दोनों यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स हैं, ठीक है? लेकिन प्रिसाइजली स्पीकिंग यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है? आज का क्वेश्चन ये है एंड यू हैव टू राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. चले, सो गाइस दिस वाज अबाउट एबीओ सिस्टम एंड आरएच सिस्टम. अब जैसे हमने एबीओ सिस्टम और आरएच सिस्टम के अगेंस्ट एग्लूटिनेशन रिएक्शंस देखे, अब आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का एक और स्पेशल केस हमें डिस्कस करना है. नाउ सी, दिस हैपन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, राइट? उससे पहले एक फंडा समझते हैं. देखो फंडा ये है कि मदर और फादर, इन दोनों के फादर दोनों डिटर्मिन करते हैं कि बेबी का आरएच फैक्टर क्या होगा, ठीक है? फैक्ट ये है कि अगर कोई भी एक पॉजिटिव है तो बच्चा विल बी पॉजिटिव, ठीक है? इरिस्पेक्टिव कि फादर है या मदर है, एनी वन ऑफ द पेरेंट इज पॉजिटिव तो बच्चा इज पॉजिटिव. नाउ सी, देखो मान लो मदर भी पॉजिटिव, तो बोर्ड अपनी मनमर्जियां करता है, तब हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता. चल ये भी पॉजिटिव तो बेबी भी क्या हुआ? लो कर लो बात, तो बेबी भी क्या हुआ? पॉजिटिव. क्लियर? दोनों पॉजिटिव, बेबी पॉजिटिव. दोनों नेगेटिव तो बेबी नेगेटिव. क्लियर? ऑल राइट. अगर कोई भी एक पॉजिटिव से मदर पॉजिटिव फादर नेगेटिव, तो बेबी तब भी पॉजिटिव. बेबी को अभी कोई मतलब नहीं है, उसको कोई एक पॉजिटिव दिखना चाहिए, उसने पॉजिटिव हो जाना है, ठीक है? अब मदर नेगेटिव फादर पॉजिटिव, तो बेबी क्या हो गया? अगेन पॉजिटिव. पॉजिटिव हमारा कहीं और चला गया. चलो मदर नेगेटिव फादर पॉजिटिव, तो बेबी ऑल्सो पॉजिटिव. इज दैट क्लियर? नाउ अब फादर को हम बीच में से निकाल देंगे क्योंकि डेवलपमेंट होनी है मदर के अंदर. सो लेट्स चेक मदर एंड बेबी का ब्लड ग्रुप. क्लियर? देखो मदर पॉजिटिव बेबी पॉजिटिव, सिंपल. मदर भी नेगेटिव बेबी भी नेगेटिव, नो इश्यूज, ओके. अब मदर पॉजिटिव बेबी भी पॉजिटिव, अगेन नो इश्यूज, हेल्दी. अब चक्कर पड़ता है यहां पे, मदर नेगेटिव है बेबी पॉजिटिव है क्योंकि फादर पॉजिटिव थे. अब होनी है गड़बड़. क्यों? क्योंकि मदर और बेबी का जो आरएच फैक्टर है वो आपस में कंपैटिबल नहीं है, तो इस वजह से जनरेट होती है आरएच इनकंपैटिबिलिटी, आरएच मिसमैचिंग बिटवीन द मदर एंड द बेबी. एंड नाउ दिस कैन लीड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस. लेट अस अंडरस्टैंड द कंडीशन इट विल लीड टू इज नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस. इस केस में क्या होगा? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस. क्यों है इतना बड़ा नाम? कि नाम तुम्हें बहुत ही छोटा सा लगेगा, फिटालिसिस, और नाम खुद बता रहा है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेंगे. या फिर इस कंडीशन को बोला जाता है हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न, दैट इज HDN. सो जब भी ये सिचुएशन होगी कि मदर इज आर एच नेगेटिव फादर इज आर एच पॉजिटिव, तो बच्चा विल बी पॉजिटिव, बट इट विल लीड टू दिस कंडीशन नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस. यहाँ पे दो क्वेश्चन से आ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल लीड टू दिस कंडीशन, ठीक है? इस तरह से, या फिर ये दे देंगे
कि ये वाला जो कंडीशन है ये कौन सी डिजीज, कौन सा केस प्रोड्यूस करने वाली है, कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी, कौन सी कंडीशन प्रोड्यूस करने वाली है. क्लियर? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि होता क्या है बेसिकली. ऑल राइट, नाउ सी व्हाट विल हैपन. फॉर दैट लेट्स ड्रॉ अ प्रेग्नेंट मदर. सो मदर हु इज RH नेगेटिव बट शी हैज अ पॉजिटिव फीटस डेवलपिंग इनसाइड हर. सो दिस इज फीटस and this fetus is RH positive. Why? Because the father was positive. In dono ke beech mein develop kya karega? Placenta. This is the placenta. This is placenta. Clear? Placenta. Done? Ab ek cheez yaad rakhna ki placenta ke andar दोनों की ब्लड वेसल्स बहुत पास पास होती हैं, लेकिन दोनों की कैपिलरीज सेपरेट होंगी. देखो ये फीटल कैपिलरी है, ये मदर की कैपिलरी है, एंड दे लाई वेरी क्लोज बाय. ठीक है, दे लाई वेरी क्लोज बाय. सो वॉल्स तुम्हें पता है कैपिलरीज की बहुत ही पतली होती हैं, तो एक की कैपिलरी से दूसरे की कैपिलरीज में या तो गैशियस ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, क्लियर, और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, वेस्ट का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, तो ये ट्रांसपोर्ट तो हो जाना है. क्लियर? ऑल राइट. लेकिन दोनों का ब्लड जो है वो कंटैक्ट में नहीं आ रहा, दोनों का ब्लड अलग अलग फ्लो कर रहा है अपनी अपनी कैपिलरीज के अंदर. इज दैट क्लियर? परफेक्ट. नाउ सी, अब सबसे पहली प्रेगनेंसी हुई, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट प्रेगनेंसी. सो फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होना है? फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब डिलीवरी का टाइम आएगा, जब बर्थ का टाइम आएगा, तो डिलीवरी के पास बच्चे का ब्लड मदर की बॉडी में जा सकता है. द ब्लड कैन कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर व्हेन वी कट द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड सो ऑन. इज इट क्लियर? नाउ फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होगा? ड्यूरिंग डिलीवरी बच्चे का पॉजिटिव ब्लड मदर के अंदर एंटर करेगा. और तुम्हें पता है कि नेगेटिव इंडिविजुअल के अंदर अगर पॉजिटिव ब्लड एंटर करेगा तो नेगेटिव के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट थी, NTRH, राइट? तो नेगेटिव मदर जो होगी, देखो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज ना पहले से नहीं बनी होती. जैसे ABO के हिसाब से पैदाइशी हमारे अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, कि मैं अगर A हूं तो मेरे अंदर एंटीबॉडी पैदाइशी थी, अगर मैं B हूं तो मेरे अंदर पैदाइशी NTA थी. आर यू गेटिंग इट? लेकिन ये जो एंटीबॉडीज है RH के अगेंस्ट, ये बाद में बनती है. लेकिन इफ आई एम एक्सपोज्ड टू द एंटीजन, मींस इफ आई एम RH नेगेटिव, माय इम्यून सिस्टम डजंट नो RH फैक्टर. बट अगर तुमने गलती से मेरे अंदर पॉजिटिव ब्लड डाल दिया ABO को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तो मुझे एकदम से कुछ नहीं होता, मेरी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने शुरू करती है. क्लियर? और धीरे धीरे जैसे एंटीबॉडीज का नंबर बढ़ेगा तो गड़बड़ होती है. और दूसरी बार भी बाई चांस अगर मुझे जरूरत पड़ गई और तुमने फिर वही सोचा कि क्या हो जाएगा, ठीक है, तो भाई क्लास फिर कोई और लेगा. ठीक है, नाउ सी व्हाट विल हैपन. तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के एंड में, यानी डिलीवरी के पास, नाउ व्हेन दिस पॉजिटिव ब्लड विल बी एक्सपोज्ड, व्हेन द मदर विल बी एक्सपोज्ड टू दिस पॉजिटिव ब्लड विल एंटर इन द मदर्स बॉडी ड्यूरिंग द डिलीवरी. What will happen? Mother की body antibodies बनाने शुरू करेगी. Is that clear? Mother की body antibodies बनानी शुरू करेगी. अब पहली बार जो antibodies बनती हैं वो देखो, पहली बार जो antibodies बनेंगी they will be IgM. ये antibodies होती है, these are the antibodies, सबसे बड़ी antibodies होती हैं ये. Antibodies के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं. देखो antibodies 5 different types की हैं हमारे अंदर, ठीक है, दे आर लाइक ड्रैगन्स. 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज याद रखने के लिए दिमाग याद रखते हैं, DEMAG. क्लियर? सो दिमाग, सो दीज आर द 5 डिफरेंट टाइप्स. डिटेल्स हम हेल्थ एंड डिजीजेस में करेंगे. नाउ सी, दिस इज द लार्जेस्ट एंटीबॉडी. पहली बार कभी भी कोई दुश्मन अंदर एंटर करता है, यानी एंटीजन एंटर करता है, तो हमारी बॉडी ये एंटीबॉडी बनाती है IgM. पहली बार प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या बनाएगी? IgM, सबसे बड़ी एंटीबॉडी है. क्लियर? अब ये जो एंटीबॉडी है, दिस कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा. प्लेसेंटा को जब क्रॉस नहीं कर पाई तो इसका मतलब जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी दैट विल बी नॉर्मल. फर्स्ट प्रेगनेंसी इज नॉर्मल.
इज दैट क्लियर? और कौन सी एंटीबॉडी बनी है? IgM. क्लियर? नाउ सेकेंड टाइम दे हैड अ बेबी, आई मीन दे आर ट्राइंग फॉर अ बेबी, सेकेंड प्रेगनेंसी. अब सेकेंड प्रेगनेंसी, थर्ड प्रेगनेंसी, फोर्थ प्रेगनेंसी, सेकेंड प्रेगनेंसी ऑनवर्ड्स जितनी भी प्रेगनेंसीज होंगी, दे विल ऑल रिजल्ट इन डेड बेबी, दे विल ऑल रिजल्ट इन स्टिल बर्थ. स्टिल बर्थ का मतलब होता है डेड बेबी इज बॉर्न. सो ऑल द रेस्ट ऑफ द प्रेगनेंसीज दे आर गोइंग टू लीड टू स्टिल बर्थ. स्टिल बर्थ, स्टिल बर्थ का मतलब डेड बेबी इज बॉर्न. इज इट क्लियर? व्हाई? देखो, मदर रिमेन्स आरएच नेगेटिव, फादर सेम है पॉजिटिव, तो अगेन सेकेंड टाइम पे बच्चा क्या होगा? पॉजिटिव. क्लियर? अब मदर के अंदर पहले से IgM बन चुकी है. क्लियर? अब सेकेंड टाइम जब उसके बॉडी को सेम एंटीजन मिलेगा, ठीक है, बॉडी ऐसे सोचती कि अच्छा ये तो पहले भी आया था, ये पहले नहीं ना सुधरा, अब मैं सुधारूंगी. ठीक है, तो दूसरे टाइम पे जब एंटीबॉडी बनेगी, वो एंटीबॉडी होती है IgG. वो कौन सी एंटीबॉडी होगी? IgG. नाउ दिस एंटीबॉडी इज द सबसे छोटा एंटीबॉडी. ये सबसे बड़ी एंटीबॉडी है, ये सबसे छोटी एंटीबॉडी है, और इकलौती एंटीबॉडी है. पांच एंटीबॉडीज हैं, दिमाग इकलौती एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है. नाउ दिस कैन इजिली क्रॉस प्लेसेंटा एंड एंटर द फीटस, और फीटस के अंदर जाके ये फीटस के RBCs को डिस्ट्रॉय करने वाली है. ये RBCs हैं फीटस के, तो ये एंटीबॉडीज जाके उस पे अटैक करती हैं और उसके RBCs को डिस्ट्रॉय कर देती हैं. इज इट क्लियर? तो क्या होगा? नाउ दिस IgG इज फॉर्म्ड. दिस IgG इज गोइंग टू, IgG विल डिस्ट्रॉय द फीटल RBCs. इट विल डिस्ट्रॉय बच्चे के RBCs, फीटल RBCs. तो देखो, जब बच्चे के RBCs डिस्ट्रॉय होंगे तो क्या होना है? नंबर वन, सिवियर अनीमिया हो जाएगा बच्चे को. ठीक है, सिवियर अनीमिया. एंड सेकेंडली, जब हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय होता है तो बनते हैं बाइल पिगमेंट्स, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, और ये होते हैं टॉक्सिक. ये होते हैं टॉक्सिक. इनको बॉडी से निकालना जरूरी होता है. आपका लिवर निकालता है, कैसे निकालेगा ये हम देखेंगे डाइजेशन में. ठीक है, लेकिन इतना याद रखना कि RBC में से हीमोग्लोबिन की डिस्ट्रक्शन होती है तो क्या बनते हैं? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, बाइल पिगमेंट्स विच आर टॉक्सिक. कुछ अमाउंट इसका ब्लड के अंदर नॉर्मल होता है, बट जब जरूरत से ज्यादा RBC की डिस्ट्रक्शन हो रही है, जरूरत से ज्यादा जब बाइल पिगमेंट्स बनने लगेंगे और बॉडी में इकट्ठे होने लगेंगे, तो टॉक्सिसिटी का लेवल बढ़ेगा, और बाइल पिगमेंट्स के इकट्ठे होने की कंडीशन होती है जॉन्डिस, पीलिया. ठीक है, हमें भी जब जॉन्डिस होता है उसमें लिवर ही खराब होता है. ठीक है, बाइल पिगमेंट्स ही बढ़ते हैं. क्लियर? तो बच्चे के अंदर सिवियर अनीमिया हो गया क्योंकि RBCs बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. बच्चे को जॉन्डिस हो गया क्योंकि RBC डिस्ट्रक्शन से हीमोग्लोबिन डिस्ट्रक्शन होगी, और हीमोग्लोबिन डिस्ट्रक्शन से बाइल पिगमेंट्स बनेंगे, और जरूरत से ज्यादा बाइल पिगमेंट्स जब ब्लड में इकट्ठे होते हैं तो वो डेथ कॉज कर सकते हैं. और इन दोनों रीजन से क्या हुआ? इन दोनों रीजन से हुआ है स्टिल बर्थ. इन दोनों रीजन से क्या हुआ है? स्टिल बर्थ. डेड बेबी इज बोर्न. इज इट क्लियर? दैट इज वाई We call this condition as hemolytic disease of newborn. तो जो newborn है उसका hemolysis हुआ है. हीम का मतलब ब्लड. पल पढ़ा था हमने, कल हमने हीमोटोलॉजी ही पढ़ी है, राइट? और लाइटिक, लिटिक का मतलब होता है लाइसिस. तो newborn का ब्लड जो है वो लाइसिस हो रहा है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है. किसकी वजह से? IgG की वजह से. इज दैट क्लियर? दूसरा, इसका नाम erythroblastosis fetalysis भी है. क्यों? क्योंकि जब बच्चे के अंदर बहुत तेजी से RBCs डिस्ट्रॉय होते हैं तो उसके केस में उसका जो रेड बोन मैरो है, उसका जो बोन मैरो है, वो RBC प्रोडक्शन के टाइम पे, कल हमने पढ़ा था, पहले एरिथ्रोब्लास्ट होते हैं, फिर रेटिकुलोसाइट होता है, फिर एरिथ्रोसाइट बनता है ना? यही मैकेनिज्म है. जिन्होंने नहीं अटेंड किया कल, प्लीज जरूर कल का लेक्चर अटेंड कर लेना, यू विल लव दैट. चलो, सो अब हुआ क्या? बच्चे के अंदर जब बहुत तेजी से RBCs डिस्ट्रॉय होते हैं तो बोन मैरो को टाइम ही नहीं मिलता कि वो आराम आराम से पहले एरिथ्रोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट बनाए और रेटिकुलोसाइट को फिर एरिथ्रोसाइट बनाए. वो एरिथ्रोब्लास्ट को ही एज सच रिलीज कर देती है ब्लड स्ट्रीम में. तो बच्चे के ब्लड स्ट्रीम के अंदर
या हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर जहाँ एरिथ्रोसाइट होता है, बच्चे के भी ब्लड स्ट्रीम में जहाँ एरिथ्रोसाइट होना चाहिए उसके ब्लड स्ट्रीम में होता है एरिथ्रोब्लास्ट, क्योंकि एरिथ्रोब्लास्ट को एरिथ्रोसाइट बनाने का टाइम ही नहीं मिला तो उसने एरिथ्रोब्लास्ट रिलीज कर दी। सो फीटस के ब्लड के अंदर क्या होंगे? एरिथ्रोब्लास्ट। दैट इज वाई दिस इज नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस। इट डज नॉट मीन कि भाई फीटस के एरिथ्रोसाइट्स जो है वो ब्लास्ट कर जाएंगे। नो, ऐसा कोई धमाका अंदर नहीं हो रहा। इज दैट क्लियर? हाँ, आरबीसीज डिस्ट्रॉय होते हैं, इस वजह से हम उसे बोलते हैं हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। इसका मतलब अगर पेरेंट्स में से फादर पॉजिटिव है और मदर नेगेटिव है तो सिर्फ फर्स्ट प्रेगनेंसी नॉर्मल होगी और उसके बाद होने वाली जितनी भी प्रेगनेंसीज हैं दे विल रिजल्ट इन स्टिल बर्थ। बट वी हैव टेक्नोलॉजी फॉर द रेस्क्यू। आज हमारे पास ऐसा एक वैक्सीन है जो कि सेकेंड प्रेगनेंसी को या सेकेंड प्रेगनेंसी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जितनी भी प्रेगनेंसीज हैं उसको नॉर्मल कर सकता है। सो थैंक्स टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी वी हैव दिस रोगैम नाम का वैक्सीन। नाउ दिस इज नॉट इन योर सिलेबस बट मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अच्छा ये तो खतरनाक हो गया, तो सिर्फ डरना मत, ठीक है? तो वी हैव रोगैम वैक्सीन। ये रोगैम वैक्सीन दिया जाता है फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद, गिवन ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में दिया जाता है, ये एक बैरियर बना लेता है, ये एक बैरियर बना लेगा यहाँ पे, सी ये यहाँ पे बैरियर बनाने वाला है। बैरियर किससे बनाए? चलो इससे बना देते हैं। सो इट इज गोइंग टू फॉर्म दिस बैरियर, ये रोगैम बैरियर है मान लो। ये बैरियर जो है ये इस एंटीबॉडी को क्रॉस होने ही नहीं देगा, ये एंटीबॉडी यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकती। इज इट क्लियर? जब ये क्रॉस नहीं कर पाएगी तो बच्चा विल बी नॉर्मल। इज इट क्लियर? सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्स फॉर अ रेस्क्यू, बट अदरवाइज हमारी एंटीबॉडी ने तो कोई चांस नहीं छोड़ा था। और ये कौन से केस में होता है? जब फादर पॉजिटिव होते हैं और मदर नेगेटिव होती है। इज इट क्लियर? And there is RH incompatibility between baby who is RH positive and mother who is RH negative. Is that clear? So guys, that was RH incompatibility and a very important case. आज हमने blood groups के बारे सब discussion कर लिए, ठीक है? So हमने बढ़िया से celebrate कर लिया है Carl Landsteiner का birthday, जिसमें हमने उनके बताए उनकी discoveries को एक बार फिर से इम्पॉर्टेंस दी है, समझा है, क्योंकि उनकी डिस्कवरीज ने हमारे लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत सेव कर दिए। इज इट क्लियर? सो लेट्स हैव अ नीट स्प्रिंट बिफोर वी गो एंड देन वंस अगेन वी विल से हैप्पी बर्थडे टू कार्ल लैंडस्टीनर। चलिए, सो पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी इज कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल रिसिपियंट बिकॉज, लीजिए, सो दिस क्वेश्चन हैज अपीयर्ड इन 2014। सो ए बी ओ को हम यूनिवर्सल रिसिपियंट क्यों कंसिडर करते हैं? क्यों वो सबसे ब्लड ले सकता है? क्योंकि उसके अपने पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, नो एंटीजन ऑन आर बी सी, ये तो गलत हो गया। बोथ ए बी एंटीजेंस इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा में नहीं है। बोथ ए बी एंटीबॉडीज, नो। बोथ ए एंड बी एंटीजेंस ऑन आर बी सी बट नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा, सो आंसर इज डी। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो 2012 का क्वेश्चन था, अ सर्टन रोड एक्सीडेंट पेशेंट विद एन अननोन ब्लड ग्रुप नीड्स इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। टाइम नहीं है कि हम पहले ब्लड मैचिंग करें। हिज वन डॉक्टर फ्रेंड एट वंस ऑफर्स हिज ब्लड एंड व्हाट वाज द ब्लड ग्रुप ऑफ द डोनर। तो डॉक्टर था, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसे पता था अपना ब्लड ग्रुप ही, और ये भी पता था कि कौन सा ब्लड ग्रुप देना सेफ होगा। तो वो डॉक्टर का ब्लड ग्रुप क्या था? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम नॉट आंसरिंग दिस टुडे, ठीक है, आई एम लीविंग इट फॉर यू टू आंसर। So I'm sure you will be able to answer it very correctly. Then NEET 2017 ka, adult human RBCs are enucleated, means nucleus absent hai. Which of the following statements is or are most appropriate explanation of this feature? Guys, now this question is based on yesterday's lecture. Let's see who can answer this. So enucleated hai, to kaun si best explanation hai? Kyun hai enucleated? Why is it enucleated? Somatic cells hai, yani body ke cells hai? No. दो तरह के सेल्स होते हैं, एक बॉडी सेल्स और एक गेमीट्स, जर्म सेल्स, जिनसे कि आपके स्पर्म्स या ओवा बनते हैं। तो सोमैटिक सेल्स तो और भी हैं, तो उनमें न्यूक्लियस ना हो ये बात समझ में नहीं आई। दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ओके, ठीक है। एंड दे डू नॉट मेटाबोलाइज,
तो मेटाबॉलिज्म में तो न्यूक्लियस की जरूरत नहीं होती, तो न्यूक्लियस को क्यों हटाया गया? ताकि सारी की सारी स्पेस, ज्यादा से ज्यादा स्पेस किसको मिले? हीमोग्लोबिन को. एंड वो हीमोग्लोबिन इज गोइंग टू ट्रांसपोर्ट गैसेस, पर्टिकुलरली ऑक्सीजन. इज इट क्लियर? सो आंसर इज ओनली ओनली बी. इज दैट क्लियर गाइज? चलिए, सो गाइज कल हम पढ़ने वाले हैं अपना दिलशिल, ठीक है. वी विल स्टडी द डिटेल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और कैसे ये हमारा जो हार्ट था वो ये हार्ट बन गया. ये सारी बातें हम करेंगे कल के लेक्चर में. आई विल सी यू टुमारो एंड टिल देन लेट्स से हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू कार्ल लैंडस्टीना एंड आई विल सी यू टुमारो. थैंक यू. पढ़ाई करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट.